हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार मैं बैठा हूँ बस स्टॉप पे, जैसा आप देख सकते हो, सरी में। और अब आज से शुरू हो रहा है एक बहुत ही एक्साइटिंग फेज इस ईयर का। इसका मैं बहुत बहुत महीनों से इंतज़ार कर रहा हूँ। अगले कई हफ्तों तक मैं सिर्फ और सिर्फ वेकेशन या टूर कह लो आप, नई नई जगहें देखने वाला हूँ। और मैं इसमें कवर करूँगा 8 कंट्रीज़, जिनमें से ऑब्वियसली एक कैनेडा ही है। और बहुत मज़ा आने वाला है यार, बहुत सारी नई नई जगहें देखनी है। तो आज निकल रहे हैं मॉन्ट्रियल के लिए। वैंकूवर से मॉन्ट्रियल जाऊंगा मैं, मेरी फ़्लाइट है एयर कैनेडा 321 शाम 5 बजे। और अभी मैं पहले जाऊंगा यहाँ से UBC, जहाँ पे मुझे मेरे फ्रेंड के पास अपने बैग्स रखे हैं। और उसके बाद मैं निकलूँगा सीधा YVR एयरपोर्ट के लिए शाम 5 बजे। वील लीव फॉर मॉन्ट्रियल और इसमें कवर करेंगे कैनेडा की कुछ बहुत ही अमेजिंग जगहें। वेस्ट कोस्ट तो यार मैंने पूरा देख लिया, आपको भी दिखाया, वैंकूवर, विक्टोरिया वगैरह वगैरह। अब चलते हैं ईस्ट कोस्ट। These ocean waves, nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else. All right, so guys, bag रख दिए मैंने अपने friend के पास। थोड़ी देर बैठ गया उससे, थोड़ी बातें कर ली। और फिर मैं मिलने गया, जैसे मैंने बताया था पहले, अपनी स्कूल फ्रेंड से। बहुत मज़ा आया यार, जेन्युइनली। मतलब यहाँ आने के बाद इतना फ्रैंक, इतना हंसी मजाक वाला कॉन्वर्सेशन शायद ही किसी के साथ हुआ है। पुरानी मेमोरीज याद आ गई, 10 साल पुरानी। तो बहुत अच्छा था। अब चलते हैं, टाइम हो गया, बज रहे अराउंड 1, 5 बजे की फ़्लाइट है, जाने में भी 1 घंटा लगेगा कम से कम। तो अभी जा रहा हूँ बस लूप, यहाँ से लेंगे रैपिड बस R4 जो कि स्काई ट्रेन तक लेके जाएगी। स्काई ट्रेन जाती है सीधा एयरपोर्ट, कैनेडा लाइन। लेट्स गो। सो गाइस, आ गए बस स्टॉप पे। लाइन देखो यार, इतनी लंबी लाइन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ना सब तमीज़ में लाइन में खड़े होते हैं, लाइन जंप नहीं करता कोई। तो यार देखो, यहाँ पे भी ये टोटम पोल्स टाइप के हर जगह बने हुए हैं। देखो वहाँ भी वैंकूवर की और कनाडा की जो फर्स्ट नेशंस हैं, उनको उनके कल्चर के लिए मास्क आर मैंडेटरी। यार लिखा इंटरनेशनल USA फ्लाइट्स, इस साइड नहीं, वो रहा कनाडा फ्लाइट्स, वहाँ चलते हैं। यार ये रहा बोर्ड, सामने लिखी है AC 312 मॉन्ट्रियल 5 o'clock एयर कैनेडा, और गेट है C48। हम चलेंगे डायरेक्टली सिक्योरिटी पे, क्योंकि मेरे पास कोई बैग्स नहीं है चेक इन कराने के, बस एक बैकपैक है, तो और कोई ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली सिक्योरिटी पे चलते हैं, गेट C48। वैसे तो मेरे पास मोबाइल पे ही बोर्डिंग पास है और मेरे को चेक इन करने की नीड नहीं है, क्योंकि मेरे पास बैग्स नहीं है चेक इन करने के लिए, सिर्फ एक कैरी ऑन है। लेकिन मैं बोर्डिंग पास सेल्फ सर्विस वाले कियोस्क से प्रिंट करना चाहता हूँ, ज़रूरत नहीं है, बट अच्छा रहता है यार, यादें रहती हैं, तो इसीलिए प्रिंट डेफिनेटली करेंगे। तो ढूंढता हूँ कहाँ पे है सेल्फ सर्विस वाला कियोस्क, जिससे मेरे पास रीप्रिंट होगा, बेसिकली वही इन्फॉर्मेशन, वही सब कुछ है। सीट वीट मैंने सेलेक्ट कर ली, उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात आपको बाद में बताऊँगा। ये रहा यार नॉर्मल वाला चेक इन जो हम जनरली करते हैं, लेकिन आज यूज़ करेंगे ये, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं, आज तक मैंने इससे नहीं किया कभी भी। तो यार अभी स्कैन करने के लिए फ़ोन करना पड़ेगा बंद, क्योंकि फ़ोन पे ही है, तो रुको। अब करते हैं प्रिंट, आ गया यार प्रिंटों पे।
ये रहा, यस फिनिश परफेक्ट। ये रहा यार बोर्डिंग पास, वैंकूवर टू मॉन्ट्रियल AC312 सीट है 35F। सिक्योरिटी की तरफ सामने ही है, कुछ फास्ट ट्रैक सिक्योरिटी है, चल के देखते हैं। सो गाइस सिक्योरिटी डन, और मैं आपको कुछ बताता हूँ यहाँ के बारे में जो डिफरेंट है। यहाँ पे लिक्विड्स जो है ना, वो लिक्विड्स कुछ भी हो सकते हैं, हेयर ऑयल, डिओड्रेंट, परफ्यूम, कुछ भी इस टाइप का, फेस वॉश, ये सब परमिटेड होता है 100 ml के कंटेनर्स में। तो अगर आपका कंटेनर जो है, कंटेनर वो अगर 100 ml से ज़्यादा है तो ये नहीं लेके जाने देंगे। प्लस आपके जितने भी लिक्विड्स हैं आपको निकाल के और एक ट्रांसपेरेंट बैग में, पॉलीथीन बैग में रखने होते हैं, स्कैनर के थ्रू वो बैग ही दे देते हैं। तो मेरे पास भी था, डिओड्रेंट वगैरह था, तो वो सब निकाल के रख देते हैं और फिर उसको चेक कर लेते हैं। सो ये यहाँ पे एक नया सिस्टम है, बाकी सब हो गया, लेट्स गो। C48 गेट है, सामने ही है, बस चलते हैं, काफ़ी जल्दी हो गया यार। ये लिखा C29-49, ये बड़ा कूल है। नीचे उतरने के लिए भी ट्रैवलेटर टाइप बना रखा है। So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Oh, we could disappear. Airports पे पानी जो होता है ना बहुत महंगा मिलता है, तो इसीलिए अपने साथ हमेशा एक खाली बॉटल ले आनी चाहिए, जो कि आप यहाँ अंदर आ जाओ सिक्योरिटी क्लियर करके, क्योंकि सिक्योरिटी में पानी नहीं लेके जाने देंगे 100 ml से ज़्यादा, और फिर यहाँ आके उसको बॉटल को रीफिल कर लो। मैं आपको यहाँ पे वेब चेक इन के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो इंडिया से अलग है। इंडिया में जनरली फ़्लाइट्स के लिए 48 आवर्स पहले वेब चेक इन खुल जाता है, और आप उस टाइम पे आप फ्री में अपनी सीट चूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने जितनी एयरलाइंस देखी हैं, एयर ट्रांजैट, एयर कैनेडा, सबका 24 आवर्स पहले खुलता है, और हर सीट इनमें पेड होती है। जब मैं सिंगापुर एयरलाइन से आया था तब मैंने बुकिंग के टाइम पे ही सीट सिलेक्ट कर ली थी फ्री में। ऑब्वियसली कुछ सीट उसमें पेड थी, लेकिन फ्री वाले ऑप्शंस भी थे, लेकिन यहाँ पे फ्री ऑप्शंस होते ही नहीं है। तो 24 आवर्स पहले आप चाहो तो आप कर सकते हो बुक। तो मैंने भी किया, एक विंडो सीट बची थी भाई, एक, और बिल्कुल पीछे थी, सेकेंड लास्ट रूम में, राइट साइड में। मैंने फटाफट कर दी क्योंकि मेरे को विंडो सीट चाहिए होती यार, नहीं तो बाहर का कैसे देखेंगे, मज़ा नहीं आएगा। वैसे भी फ्लाइट जो है वो शाम को है, अराउंड 5 o'clock है ना, तो काफ़ी 7-8 o'clock तक अच्छे व्यूज़ आते हैं यार इतना। तो मेरे को विंडो सीट बहुत पसंद है, तो मेरे को वही लेनी थी, थैंकफुली एक मिल गई। और आपको पता है एक एक सीट का जो प्राइस देना पड़ता है सिर्फ रिजर्व करने का, भाई $120, सीरियसली, मतलब कितने, अराउंड 7,000 rupees सिर्फ एक सीट रिजर्व करने के लिए यार, इतना तो भाई इतना नहीं होता। गाइस ये देखो यहाँ पे यही है वाटर फिलिंग स्टेशन, बस अपनी बॉटल इसके नीचे रखो और पानी आना शुरू, और ये ऐसे काउंट भी करता है कि कितनी बॉटल्स इन्होंने बचाई हैं यहाँ पे पानी भर के, इंस्टेड अगर आपको खरीदनी पड़ती तो उसकी बजाय आपने रीफिल कर ली तो कितनी बॉटल्स बची हैं, इतना कन्वीनियंट है यार ये। आगे सामने ही है 48 दिख रहा है, 2:30 भी नहीं बजे अभी तो आराम से यार 2 घंटे हैं, चिल करेंगे, थोड़ा काम वाम करते हैं, एडिटिंग करते हैं थोड़ी। यार बैठा हूँ मैं यहाँ पे, अराउंड 1 घंटा हो गया, 45 मिनट्स के आसपास और बची हैं, 3:45 हो रहे हैं, 4:25 लिखा है बोर्डिंग स्टार्ट होगी, तो अराउंड 45 मिनट्स और हैं, 40-45 मिनट्स, और काम कर लिया थोड़ा बहुत, थोड़ी एडिटिंग कर ली, थोड़ा बहुत कुछ प्लानिंग करनी थी आगे की ट्रिप के लिए वो कर लिया। ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट है एयर कैनेडा के साथ, पहले मैं गया नहीं हूँ, बट अभी तक तो एक्सपीरियंस अच्छा ही है, और अब आगे देखते हैं। ये है वैंकूवर टू मॉन्ट्रियल, यहाँ से 5 o'clock का डिपार्चर है, मॉन्ट्रियल में 12:45 का अराइवल है रात के, तो काफ़ी लेट नाइट है मुझे पता है, लेकिन फ्लाइंग टाइम वैसे सिर्फ 4 hours 45 minutes ही है मॉन्ट्रियल और वैंकूवर, क्योंकि मॉन्ट्रियल ईस्ट कोस्ट पे है और वैंकूवर वेस्ट कोस्ट पे है, तो इनमें टाइम डिफरेंस भी है 3 घंटे का, मॉन्ट्रियल आगे चलता है, न्यूयॉर्क टोरंटो वही वाला टाइम है यार, ईस्टर्न टाइम जो होता है US कनाडा वाला, तो इसी वजह से, वैसे तो 9:45 है टेक्निकली टाइम, बट वो इसीलिए 3 घंटे की वजह से वो 12:45 हो जाता है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ बोर्डिंग के दौरान। और गाइस बोर्डिंग जो है वो जोन्स के हिसाब से होती है, तो सारे जो पैसेंजर्स हैं उनको 6 जोन्स में डिवाइड कर दिया है,
और फिर जोन वाइज बुलाते हैं। तो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, जोन वन को बुलाया है, मेरा जोन थ्री है, थ्री, तो थ्री का वेट करेंगे और फिर जाएंगे। हाय, हेलो, या श्योर, हाय, हेलो, फाइनली डिवोट कर गए और आ गए हैं। स्वागत है क्यूबेक मॉन्ट्रियल में। अब फ्लाइट अराउंड टाइम से ही लैंड करी यार, रात के 1 बज रहे हैं, तो यहाँ से बस जाती है वैसे, लेकिन वो जाएगी 40 मिनट बाद और उसके बाद ना आधा किलोमीटर चलना भी पड़ता है, तो मैं ये रिस्क नहीं लेने वाला भाई। डाउनटाउन एरिया बिल्कुल, उसमें रात में को घूमने का कोई शौक नहीं है। यहाँ से करेंगे उबर और डायरेक्ट जाएंगे हॉस्टल। मैं रह रहा हूँ ओबर्गे सेंट लो मॉन्ट्रियल, मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, बट चलते हैं और सोते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई है और कल से मॉन्ट्रियल एक्सप्लोर करना है, फर्स्ट सिटी ऑफ दिस वंडरफुल ट्रिप। यार यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है और इतना, मतलब मैंने ट्राई किया कि कोई उबर मिल जाए, क्योंकि रात को मेरे को बिल्कुल जाने का मन नहीं था पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। मेरे को आधा घंटा हो गया भाई, उबर नहीं मिली यहाँ पे कोई भी। अब कोई चॉइस नहीं है, मैं सब ट्राई कर लिया, लिफ्ट यहाँ फॉर सम रीज़न चलता नहीं है, उबर आ नहीं रही है, मैंने हर टाइप की उबर ट्राई कर ली, तो फाइनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, नहीं तो वो बस भी निकल जाएगी, वो बस निकल गई तो मैं चेक इन ही नहीं कर पाऊँगा। तो ये रहा यार, इसके बारे में बाद में बताऊँगा ट्रांजिट वाले वीडियो में, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा भागना है और जाना है बस लेने के लिए, फिर वहाँ से आधा किलोमीटर वॉक भी करना पड़ेगा। मेरे को वो प्रॉब्लम है, मेरे को बस से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम ये है कि रात को वॉक करना पड़ेगा आधा घंटा, आधा किलोमीटर सॉरी। बस चलो कोई बात नहीं, सामने ही खड़ी है बस, इसमें चलते हैं भाई पहले। तो भाई जैसे वैंकूवर में कंपास कार्ड का सिस्टम समझाया था ना मैंने, जैसे दिल्ली मेट्रो का होता है, बेसिकली आप एक कार्ड ले लो और उसके बाद उस पर पैसे लोड करते जाओ, उनको यूज़ करते जाओ, तो वही उसको यहाँ पे ओपस कार्ड बोलते हैं। उसकी भी कॉस्ट जैसे वैंकूवर में $6 थी, वैसे यहाँ पे भी $6 है, लेकिन मैंने वो नहीं लिया, मैं रिसर्च करके आया था, मैंने लिया ये होता है लोकेशनल कार्ड। इसका फ़ायदा ये है कि ये बेसिकली मतलब है ना द ओकेजनल कार्ड, तो ये एक ही बार आप इस पे लोड कर सकते हो पैसे या कोई भी फेयर, और उसके बाद आप दोबारा नहीं कर सकते, इसकी कोई प्राइस नहीं होती, तो इसका ये फ़ायदा है। तो मैंने इस पे जो फेयर लोड किया है वो है 24 आवर्स का, $11 के आसपास लगे, तो मैं अगले 24 आवर्स में इस पे जोन ए, जो मॉन्ट्रियल का जो डाउनटाउन और मेन एरिया है, उसमें कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ। अगर यहाँ से डाउनटाउन जाने की जो टिकट है ना इस बस की, वो अकेली $10 की है, तो सेंस बनता है, क्योंकि मेरे को कल भी काम आएगा, आज भी काम आएगा। अब मैं यहाँ आया हूँ भाई, यहाँ पे एक बंदी से बात हो रही थी ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की, मैं पूछ रहा था कि बस खड़ी थी यही वाली जाएगी क्या, क्योंकि 747 लिखा है भाई, इंग्लिश नहीं आती लोगों को यहाँ पे, वही बोल रही थी, वो फ्रेंच बोल रही थी, तो मेरे को नहीं आती भाई, बहुत बेसिक, बट हाँ यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, इनसे पूछता हूँ।
और देखते हैं कि यही वाला है या नहीं है। It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. बस यार आने ही वाला है, next stop ही है। और बस रोकने के लिए एक बटन दबाना होता है, वो मैंने दबा दिया। अब उतरते हैं। I think आधा किलोमीटर वॉक है, मेरे को ठीक नहीं लगता है, सेफ नहीं लगता है इतनी रात को, तो इसीलिए ना जल्दी जल्दी चलते हैं और अब वहाँ पहुँच के और फिर दिखाऊंगा वीडियो। सो गाइज फाइनली आ गया मैं पीछे ओबर्गी सेंट लो मॉन्ट्रियल हॉस्टल। भाई पीछे मुड़ मुड़ के देख के चलने को क्या बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं ना, आज सीखा है मैंने। इतना डर लग रहा था ये आधा किलोमीटर चलने में, बट चलो यार आ गया, अब अंदर चलते हैं और कल एक्सप्लोर करेंगे मॉन्ट्रियल। आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको पसंद आया हो। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।